दोस्तों आज मैं आपके लिए पांच ऐसी घटनाएं लेकर आया हूं जिनमें पालतू जानवर खो जाने के बाद अपने मालिक से मिलने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं, जिनकी सच्ची कहानी को जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। टर्टल। क्या आपको पता है साल 1882 के दौरान अल्मेडा फैमिली का पालतू कछुआ घर को रिनोवेट करने के दौरान कहीं गुम हो जाता है, जो उन्हें कहीं नहीं मिलता। और फिर करीब 30 साल गुजर जाने के बाद वो कछुआ उसके घर के स्टोर रूम में बंद मिला, जिसने सबको चौंका दिया क्योंकि वो पता नहीं कैसे 30 सालों तक अपने आप को एक अकेले कमरे में जिंदा रखा। ओपी द हॉर्स। तब एक घोड़े का मालिक हैरान रह गया जब उसे अपने घर के बाड़े में उसका पालतू घोड़ा कहीं नहीं दिखा, जो कि शायद चोरी हो गया था, जिसे खोजने का काम उसने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जिसका काम चोरी हुए हॉर्स को ढूंढना था, जो कि उन्होंने करके भी दिखा दिया। लेकिन ये सुनने में जितना इजी है, असल में काफी मुश्किल था, क्योंकि उस घोड़े को खोजने और अपने मालिक से मिलाने में करीब 10 साल लग गए थे। निगल पैरट। निगल नाम का अफ्रीकन पैरट कैलिफोर्निया में डेरन नाम के एक व्यक्ति के पास रहता था, जहां उसने ब्रिटिश में बोलना सीख लिया। लेकिन एक दिन वो तोता कहीं उड़ गया और फिर वापस लौटकर नहीं आया, और फिर करीब 4 साल तक मिसिंग रहने के बाद वो पैरट वापस से अपने घर के मालिक के पास आ गया। पर इसके बाद से ही वो तोता एक अलग ही लैंग्वेज में बात करने लगा, जिसे उसने खो जाने से पहले कभी भी नहीं बोला था, जो कि स्पेनिश लग रही थी। शायद निगल इन 4 सालों के दौरान किसी स्पेनिश परिवार के साथ रहता था। लूना एंड निक। निक नाम का ये व्यक्ति कहीं भी अपने कुत्ते के बिना नहीं जाता था। एक दिन जब निक मछली पकड़ रहा था, तब उसका कुत्ता पानी में गिर जाता है, जिसे काफी खोजने के बाद भी वो पानी में कहीं नहीं मिलता, जिसके बाद निक ने ये मान लिया कि उसने लूना को हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि पानी में गिर जाने के बाद लूना तैरते हुए एक टापू पर चला गया, जहां करीब एक महीना रहने के बाद नेवी ने उसे खोज निकाला, और इस तरीके से निक वापस अपने पुराने दोस्त से मिल सका। बियर कब। एक दिन एक कुत्ता जंगल से एक जानवर के बच्चे को उठा ले आता है, जिसे उस कुत्ते के मालिक ने अपने घर में देखभाल के लिए रख लिया था, क्योंकि वो बच्चा काफी भूखा और कमजोर लग रहा था। बाद में उस फैमिली ने उस भालू के बच्चे को वर्जीनिया में मौजूद वाइल्ड लाइफ सेंटर में भेज दिया, जहां पर बायोलॉजिस्ट ने उस बच्चे की माँ को खोजकर उसे वहां पहुंचा दिया, और इस तरीके से वो बच्चा अपनी माँ से दोबारा मिल पाया। दोस्तों मुझे इस वीडियो को बनाने में 12 घंटे लगे, पर आपको इसे लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। इसीलिए वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में सेकंड पार्ट जरूर लिखें, और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।